हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से मैंने वर्ड मीनिंग क्लास का कई सारा वीडियो जो कि इसी चैनल पे अवेलेबल करा चुका हूँ, जो कि आप लोगों के लिए वेरी वेरी मस्ट होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल ये वर्ल्ड में कोई भी वर्क विदाउट इंग्लिश का नहीं होता, और अगर आप कहीं भी दो वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं तो आपका वैल्यू कुछ अधिक हो जाता है। इसी तरह इसी सब को सोचकर मैंने मैक्सिमम वर्ड मीनिंग क्लास का ही वीडियो लाया हूँ, जो कि इंग्लिश का जड़ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ इस इंग्लिश क्लास का इंग्लिश वर्ड मीनिंग क्लास। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और शुरू करते हैं। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इस तरह से मैं सेंटेंस ए वन सेंटेंस बना लीजिए, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। ये जो फ्रेंड्स होगा ये 12th लेवल का रेनबो बुक पार्ट 2 से लाया हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बाद भारत इज माई होम। वहीं से मैंने ये सभी वर्ड मीनिंग छांट कर लाया हूँ, जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स डीपली में। कहता है बियर, बियर मीन्स जन्म लेना, जन्म लेना आपको कहते हैं बियर। फ्रीडम फाइटर जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी। क्लियर। एज वेल एज भी, साथ ही साथ, साथ साथ, इस तरह हम कह सकते हैं एज वेल एज साथ साथ। इमिनेंट प्रकांड प्रख्यात प्रसिद्ध। क्लियर। इमिनेंट का हिंदी मीनिंग होता है, क्लियर। और ये इससे पहले मैं फ्रेंड्स बता दूं आप लोगों को, ये जो हुआ वर्ड हुआ और ये प्रोनाउंसिएशन तथा ये जो हुआ उसके मीनिंग हुए। तो वर्ड मतलब शब्द और प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण और मीनिंग का होता है अर्थ, क्लियर। एजुकेशनिस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? शिक्षाविद। विकम होना बनना। अर्लियर से पूर्व पहले, अर्लियर कहते हैं पूर्व पहले। सर्व परोसना, सेवा करना, काम करना, क्लियर। एक्सट्रैक्ट अंश भाग निचोड़। ओथ कहते हैं मैं शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ, सौगंध, क्लियर। फ्रेंड्स, मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए वीडियो अधिकतर हिलता है, तो माफ़ करेंगे आप। प्लेज प्रतिज्ञा करना, वचन देना। सर्विस सेवा करना, काम करना। टोटेलिटी पूरा भाग, पूरा हिस्सा, समस्त ग्रस्ता है। तो इतना ही याद रखेंगे आप, पूरा भाग हिस्सा, जो कि टोटलिटी का हिंदी मीनिंग होता है। कॉन्फेस स्वीकार करना। अवर वेल मेड गदगद होना, अभिभूत होना। ट्रस्ट जो कि प्रोनाउंसिएशन आपके सामने, विश्वास, भरोसा। पीपुल लोग। प्लेस यानी जगह या स्थान। इलेक्ट चुनना, हाईएस्ट ऑफिस,
सर्वोच्च पद, हाईएस्ट ऑफिस को क्या कहते हैं? सर्वोच्च पद। मेरे फादर हाईएस्ट ऑफिस में हैं, मेरे फादर सर्वोच्च पद पर हैं, क्लियर। ब्रिंग, लाना, प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति का पद, क्लियर। प्रेसिडेंसी में राष्ट्रपति का पद। मेंटल कंडीशन, मानसिक बौद्धिक उपकरण, सॉरी मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक बौद्धिक उपकरण। डिग्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर, वेथ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की संपत्ति। रेयरली, दुर्लभ, एनीवर, कहीं भी। ड्यूरिंग के दौरान, दरमियान, लाइफ टाइम, जीवन काल। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने कुछ महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग देखा जो कि आप लोगों के लिए लाइफ टाइम होने वाला है, और यह वर्ड मीनिंग आप लोग अगर याद कर लेते हैं इसी वीडियो में तो आप लोग यकीन मानिए इंग्लिश पढ़ते समय आप अधिक से अधिक इंग्लिश के मीनिंग भी साथ में समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।